कुख्यात आतंकी मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाने पर समर्थन हासिल करने के लिए भारत ने दुनिया के सभी देशों में अपने दूतावासों और उच्चायुक्तों को डॉजियर भेजे हैं। दूतावासों के द्वारा ये सबूत संबंधित देशों को सौंपे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को डॉजियर इसलिए भेजे थे क्योंकि वह कह रहा था कि मसूद और जैश के आतंकी कार्रवाई के बारे में उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय डॉजियर को खारिज कर दिया है। एक सूत्र ने बताया, हम यूएनएससी के सभी 15 सदस्य देशों तक पहुंचे हैं, न सिर्फ नई दिल्ली स्थित उनके मिशन बल्कि उनकी संबंधित राजधानियों में भी। सभी सदस्य देशों का समर्थन हासिल करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में सूचीबद्ध कराने के लिए पिछले 10 साल में संयुक्त राष्ट्र में यह चौथा प्रयास है। इसके पहले साल 2009, साल 2016 और 17 के 3 प्रयास विफल रहे, लेकिन हर बार पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहा। गौरतलब है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का ही हाथ माना जाता है, जिसका आका मसूद अजहर पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NC24 न्यूज, मध्य प्रदेश।